Hey guys, welcome back to my channel. So, आज है हमारा डे टू. जिन्होंने डे वन की वीडियो नहीं देखी है दिल्ली टू पुष्कर वो फटाफट जाके वीडियो देखो. सो आज है डे टू और अभी हम पुष्कर में है और पुष्कर से हम जा रहे हैं उदयपुर में. सो लेट्स जस्ट गो विद मी. सो गाइज हम लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं एंड जो पुष्कर से उदयपुर का रास्ता है वो बहुत ज्यादा सुंदर है. लाइक 2 इयर्स पहले मैं यहाँ पे फ्लाइट से आई थी और अभी मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड मैं कार से ट्रेवल किया है बिकॉज जो वे है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. सो हम उदयपुर में है 2 डेज के लिए, एक आज के लिए एक कल के लिए. अभी ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है तो हम पिछोला लेक जा रहे हैं एंड देन कल हम पूरा उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे. सो चलो मेरे साथ. सो गाइज उदयपुर तो है ही द सिटी ऑफ लेक्स. यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लेकर जो आप सामने देख रहे हो वो मतलब वो पूरा एक महल टाइप है और वो उसमें आप होटल रूम की तरह रूम बुक कर सकते हो. रेंट कुछ है 20,000 पर डे या 30,000 पर डे, ऐसा कुछ कॉस्ट आता है. तो हम वहाँ पे स्टे नहीं किया एंड यहाँ पे अभी बोटिंग नहीं हो रही थी इसलिए हम जा रहे हैं सिटी पैलेस. सो आपको पता है गाइज राजस्थान में हर अलग अलग उधर सिटी पैलेस होता है, ऐसे ही उदयपुर का सबसे फेमस सबसे सुंदर है. बट जितना सुंदर सिटी पैलेस है उसका टिकट प्राइस भी उतना ही सुंदर है. इट्स 330 पर पर्सन. जनरली जयपुर वगैरह में 50, 60, 80 होता है बट यहाँ पे है 330 पर पर्सन. और अगर आप कार लेके जाते हो तो पार्किंग भी है 300 पर कार. एंड आप देखो मतलब यहाँ आना और 330 रुपये स्पेंड करना वर्थ इट पर पर्सन क्योंकि इतना बड़ा है. आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लगते हैं अच्छे से सिटी पैलेस घूमने में. एक एक चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज, इतनी सुंदर है. और गाइज आप सिटी पैलेस में भी स्टे कर सकते हो, यहाँ पे भी रूम्स है. बट देन अगेन जो प्राइजेज है आप चेक कर सकते हो, 30,000 है, 40,000 है पर रूम. सो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. सो इसलिए एक नॉर्मल बंदा तो जो बजटेड ट्रिप करता है वो तो वहाँ पे नहीं जाएगा. बट अदरवाइज सिटी पैलेस वैसे भी घूमना बहुत वर्थ इट है. इट्स ब्यूटीफुल. एंड गाइज कुछ कुछ महल होते हैं ना जो पहले के पुराने ही होते हैं बट यहाँ पे ओन टाइम टू टाइम काम चलता रहता है. लाइक मैं लास्ट ईयर आई थी, जब लास्ट टू लास्ट ईयर तब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था. अभी आई हूँ तब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो ये जो भी चीज़ टूटती फूटती है उसको टाइम टू टाइम कवर कराते रहते हैं. सो यस. And now the most beautiful thing of Udaipur. So guys, Udaipur में है एक बहुत सुंदर aquarium and मैं आपको लेके चलती हूँ अभी. यहाँ पे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशेज है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है जो भी मैं करूँगी वीडियो में आगे दिखाऊंगी. सो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आओ बिकॉज बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा फन और वर्थ इट प्लेस है ये. सो गाइज ये बहुत ब्यूटीफुल एक पिक्चर का स्पॉट है एंड इसके अंदर ऐसे जाते हैं एंड ऊपर. तो यहाँ पे प्राइस टिकट है 130 रुपीस कुछ एंड उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी करते हो हर एक्टिविटी का चार्ज अलग से है. अंदर फोटोज के लिए तो बेस्ट स्पॉट है. तो आप अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और सारी मेरी उदयपुर की पिक्चर्स देखो राइट नाउ राइट नाउ. स्मृति कैसी हो? आर यू ओके? आप लोग दिख नहीं रहे हो क्योंकि स्मृति मुझे दिख नहीं रहे आप लोग. हमें दिख रहे हो? हमें तो दिख रही है ना. घुस गए पानी में. चालू कर दे पानी में खड़ी हुई हो. अभी नीचे पर शार्क आएगी तब बैठो. अभी इसकी खुद ही डर जाएगी. इसकी फटेगी अभी. इसकी फटेगी अभी. स्मृति ये तो फिशेस है. वाह अरे
क्या बोलते हैं इसको? फिश स्पा भी अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मजा आया। एंड गाइज, वो जो मैंने लास्ट अभी वीडियो दिखाया जिसमें मैं चिल्ला रही थी, मुझे उसमें एक्चुअली लग रहा था शार्क मुझे खा जाएगी। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है, मुझे लिटरली लग रहा था मैं पानी में खड़ी हूँ और शार्क मेरे को भी आके खा जाएगी और मैं मर जाऊंगी। और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ ऐसा लग रहा था मैं पानी के अंदर हूँ, मतलब सीरियसली। सो गाइज, ये था एक्वेरियम का, हमने यहाँ पे स्पा करवाया एंड 3D इफेक्ट वाला मूवी देखी। सो बहुत फन है, आपके 2 से 3 घंटे यहाँ पे इजीली जाएंगे। सो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो अभी हमें खुद भी नहीं पता। सो गाइज, हमें हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पता लग गई है, जो है सहेलियों की बाड़ी उधान। और यहाँ पे जो प्राइस है जो टिकट का, दैट इज 20 रुपीज पर पर्सन। पर स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो सिर्फ 5 रुपीज है यहाँ की एंट्री टिकट। तो गाइस, जब हम अंदर गए तो हमें लगा कि यार बस ऐसा ही है, वैसे तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट मैंने अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन देखा। आई मीन सीरियसली, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इतना प्रिंसेस थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस ये जो व्यू है इसको अपनी आईज में कैप्चर कर लूँ। इट वॉज डैम प्रिटी। सो हियर वी गो। आई मीन लुक एट दिस, वो आपको दिख रहा है पत्ते पत्ते पत्ते, वो पानी के ऊपर है, मतलब नीचे पूरा पानी है गाइस, और उसके ऊपर वो पत्ते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि देखो, आप देखो ये, जैसे कितना सुंदर, ऐसा लग रहा था मैं कोई प्रिंसेस की मूवी देख रही हूँ, उतना प्यारा व्यू था। एंड देन गाइज, ये एक तिब्बतन मार्केट लगता है, बट यहाँ पे आना क्या, मतलब अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली की शॉपिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो, देन आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। देन स्पीड बोट, मैंने स्पीड बोट नहीं किया है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पर पर्सन यहाँ पे था 236 रुपीज़ के टिकट। तो अभी हम चले स्पीड बोट पे। गाइज, हम लोग रेडी है स्पीड बोट में जाने के लिए। सो गाइज, अभी हम स्पीड बोट में जा रहे हैं सारे। आपने अंकल का एक्सप्रेशन देखा। आई मीन यार, अगर आप लोग फैमिली के साथ आए तो एटलीस्ट जो आए उनको तो एंजॉय करने दो, मतलब कैसे घूर रहे थे अंकल मुझे। एनीवेज, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। सो ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, आपको इतने इस पूरा लेक, एक तो ये लेक ही बहुत बड़ा ही है और बहुत प्यारा था। इन स्पीड बोट में अलग मजा था, अलग फील, अलग हवा, अलग टशन, इट वॉज अमेजिंग। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। न्यू वीडियो आने वाली है माउंट आबू की, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाई।